हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम जानकारी लेने वाले हैं रेलवे ट्रैक में स्लीपर के नीचे जो बलास्ट रखा जाता है ड्रेनेज और लोड ट्रांसफर पर्पस के लिए, उसका मेंटेनेंस कब और कैसे किया जाता है। मैनुअल की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी रेलवे ट्रैक जब भी 500 ग्रॉस मिलियन ट्रैफिक को सर्विस देता है या 10 साल, इन दोनों में से कोई भी समय जब पहले आता है उस समय पे जनरली बलास्ट क्लीनिंग के लिए प्रपोजल दिया जाता है। इस क्लीनिंग में पहले बलास्ट को सीव किया जाता है और उसको बाद में टैंपिंग मशीन से कॉम्पैक्ट किया जाता है साइट पे। इस एक्टिविटी को देखने के लिए हमने सिकंदराबाद डिवीजन के एक जनगांव स्टेशन के नज़दीक एक सेक्शन है वहाँ पर विजिट किया था। सेक्शन के जो स्टार्टिंग के 4 स्लीपर्स होते हैं उसके नीचे का बलास्ट मैन्युअली निकाल के उसको वुडन सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद में बलास्ट क्लीनिंग मशीन को इस्तेमाल करके बलास्ट का सीविंग किया जाता है। इस सीविंग प्रोसेस में जो भी स्टोन्स या बलास्ट जो भी 30 mm के नीचे या 80 mm से ऊपर होता है, इस बलास्ट को रिमूव करके बलास्ट को फिर से उस जगह पे प्लेस किया जाता है। पूरे सेक्शन में सिर्फ मशीन का इस्तेमाल करके ही बलास्ट को क्लीन किया जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 स्लीपर होते हैं जिसके नीचे वुडन स्लीपर्स लगाए होते हैं उसका सपोर्ट बाद में निकाला जाता है और बाद में मैन्युअली उसमें बलास्ट को प्लेस किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो। इस प्रोसेस के दौरान रेल गेज और लेवल डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, तो हम सेफ्टी के लिए इसका मेजरमेंट करते हैं। आखिर में रेलवे स्लीपर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बलास्ट होता है उसको हम मैन्युअली निकालते हैं। इसके बाद में बलास्ट को कॉम्पैक्शन किया दिया जाता है ताकि ट्रेन लोड के अंडर उसका सेटलमेंट ना हो। इसके लिए टैंपिंग मशीन का इस्तेमाल करके बलास्ट को वाइब्रेशंस दिए जाते हैं। इस तरह से बलास्ट का मेंटेनेंस किया जाता है। जनरली 200 मीटर का सेक्शन जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए 3 घंटे का ब्लॉक लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपके जो व्यूज़ है हमें कमेंट्स के द्वारा हम तक ज़रूर पहुँचाइए और इंडोरेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।